हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। द कश्मीर फाइल्स को दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई भी की। इस शानदार फिल्म को बनाने के बाद अब डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री दूसरी कहानी को पर्दे पर उतारने की तैयारी में जुट चुके हैं। फिल्म का नाम उन्होंने द दिल्ली फाइल्स बताया है। साथ ही इस फिल्म को बनाने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करते हुए फिल्म का ऐलान किया है और उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए अपने हाथ जोड़े हुए एक फोटो शेयर की है और इसके साथ उन्होंने ये लिखा, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स को प्यार दिया। पिछले 4 वर्षों से हमने पूरी ईमानदारी के साथ इस फिल्म को बनाया। हो सकता है कि मैंने आपके टीएल को स्पैम कर दिया हो, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ किए गए नरसंहार और अन्याय के बारे में लोगों को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। मेरे लिए एक नई फिल्म पर काम करने का समय आ गया है। तो ट्वीट में आगे एक और ट्वीट लिखते हुए डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म का नाम द दिल्ली फाइल्स बताया है और फिल्म का नाम सुनकर ऐसा माना जा रहा है कि कहानी दिल्ली के क्राइम पर बेस्ड हो सकती है। लेकिन कुछ समय पहले विवेक ने फिल्म की झलक शेयर की थी जिसका पोस्टर लाल काले रंग में दिख रहा था और फिलहाल तो फिल्म को लेकर अभी तक कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है। वैसे विवेक अग्निहोत्री के इस नए प्रोजेक्ट पर अनुपम खेर ने भी उन्हें बधाई दी है। अनुपम ने गुड लक लिखते हुए ट्वीट कर लिखा है, गुड लक डियर विवेक अग्निहोत्री फॉर द दिल्ली फाइल्स। आई एम श्योर एज अ फिल्म मेकर यू विल डू ग्रेट जस्टिस टू अनदर चैप्टर ऑफ आर पास्ट डेल्ट रॉन्गली। लुकिंग फॉरवर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। अब बात करें कश्मीर फाइल्स की, तो ये फिल्म देखिए 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाया गया था। 14 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 250 करोड़ रुपए की कमाई की है और फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी लीड रोल में नजर आए थे। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि द कश्मीर फाइल्स की तरह दिल्ली फाइल्स भी दर्शकों के दिलों में जगह बना पाती है या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।